अभी देखो, अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देख लो पहले, थर्ड आपको मैं प्रैक्टिस में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, 3x² माइनस 4 अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अभी देखो यहां से जैसा अपन ने इसके पहले किया था, पहले क्या करेंगे, एबीसी का मान लिखेंगे, ए 3 होगा, बी माइनस 4 अंडर रूट 3 और सी मिलेगा 4, ए बी सी। ओके, क्योंकि बी का समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ इसकी कंपेयर करेंगे तो ए बी सी ये मिलेगा। अभी निकालेंगे हम विभेचक, विभेचक भी होता है b² माइनस 4ac, abc का मान रखना है और इसको सॉल्व करना है। d का मान 4 अंडर रूट 3 माइनस 4ac, यहां से देखो माइनस के बाद प्लस हो जाएगा, 4 के बाद 16 इनटू अंडर रूट 3 की दो बार, तो क्या होगा, अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 3, तो ये मान हो जाएगा 3 माइनस। अभी यहां से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो मिलेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 के 12, 12 को 4 से, ठीक है, तो ये मिलेगा 48, 16 और 3 का गुणा मिलेगा 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। ओके, तो विभेचक d का मान कितना मिला, 0। अभी देखो d बराबर 0 तो दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान। ओके, इसलिए मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति भी लिखना है, मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ओके, अभी देखो जब मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व होगा क्योंकि वास्तविक है, तो अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात करना है, उसके लिए अपने पास था द्विघाती सूत्र, मूल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, ये था अपना सूत्र द्विघाती सूत्र। अभी इसमें मान रखना है माइनस बी का मान कितना है, माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस टी का मान कितना है, 0 अपॉन 2 इनटू ए का मान कितना है, 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इनटू 3। ओके, और इनका मल्टीप्लाई होगा, 2 से 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो मिलेगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन, ये जो 3 है इसको मैं लिखता हूं अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 3। ओके, क्योंकि अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 3 कितना होता है, 3, वो एस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों को कट करने के लिए, ये कट हो जाएगा तो ये मिलेगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। अभी देखो यहां से प्लस माइनस, एक बार प्लस 0 लेना है, एक बार माइनस 0 लेना है, तो इसका मान हो जाएगा प्लस माइनस, देखो छोड़ दीजिए, मूल क्या मिलेंगे, 2 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, अभी देखो दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान, तो अल्फा का मान भी कितना होगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3 और बीटा का मान भी होगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, क्योंकि दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान। ओके, दोनों मूल समान है और ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।